यार मैं तो फेल कर गया फिर से अपना क्लास 12। मेरे फ्रेंड्स अब ऑलरेडी कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे हैं और मैं अपना बोर्ड क्लियर नहीं कर पाया हूँ। क्या होगा, मैं अपने पेरेंट को भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं क्लास 12 फेल कर गया। कुछ ऑप्शन भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो गया है कि आप अपना क्लास 12th जो है वो फेल कर गए हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका करियर कोच और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एडू स्क्वायर एडमिशन लैब पे। दोस्तों जैसा कि आपने शुरू के पार्ट में वीडियो में देखा कि जो बच्चे अपना बोर्ड क्लियर नहीं कर पाए हैं, आइदर वो 10th में हो या 12th में हो, और किसी कारण बस अगर वो फेल हो गए हैं, तो इस वीडियो में मैं आप बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए ही समाधान लेकर के आया हूँ कि कैसे सेम ईयर आप अपना क्लास 10th और 12th क्लियर कर सकते हो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए और अपना एक साल बचाते हुए। क्योंकि जनरली यही होता है कि जो बच्चे 10th या 12th फेल कर जाते हैं, वो बच्चों का जो साल है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसी का समाधान मैं लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे आप अपना साल बचा सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अगर आप अपना साल बचाना चाहते हो तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें और जाने पूरी प्रक्रिया। जो बोर्ड मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ, उस बोर्ड के बारे में आप जानिए कि वो बोर्ड एफिलिएटेड है कि नहीं, आपको क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जिस बोर्ड की बात करने वाला हूँ उसका नाम है बोस, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, राइट। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे पूरी डिटेल इस बोर्ड के बारे में कि ये बोर्ड जो है वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों बोस यानी जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, ये सिक्किम का बोर्ड है, सिक्किम का ओपन स्कूलिंग है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो वीडियो होता है इस चैनल पे वो ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बेस्ट है। तो आज मैं ओपन स्कूलिंग का एक न्यू बोर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है बोस। मैं कई बार इसका नाम ले भी चुका हूँ, फिर से एक बार नाम ले रहा हूँ। उसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया आपको, फिर से बता दे रहा हूँ कि बोस का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, ये सिक्किम का बोर्ड है। अब बच्चों आपके मन में क्वेरी आ रहा होगा कि ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों कैसे हेल्पफुल हो सकता है उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बोर्ड जो है वो कहाँ कहाँ से एफिलिएटेड है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी बोर्ड की स्थापना होती है, जब भी कोई बोर्ड बनाया जाता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों से एफिलिएशन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला एफिलिएशन लेना होता है वो होता है MHRD से, दूसरा होता है AIU दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, तीसरा होता है कि जो बोर्ड हमारा है वो कॉप्स के लिस्ट में होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कॉप्स को हम लोग पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक और होता है कि जिस स्टेट का बोर्ड है वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, वहां के गैजेट के द्वारा बोर्ड हमारा पास होना चाहिए, तभी ये बोर्ड जो है वो पूरे इंडिया में एफिलिएटेड है, मतलब पूरे इंडिया में एक्सेप्टेड है। और इसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हो तो कहीं भी किसी प्रकार का आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो अब आप जान लीजिए कि हमारा जो बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन जो है वो इन सबों से एफिलिएटेड है या नहीं। हाँ जी दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ और आश्वासित करता हूँ कि ये जो बोर्ड है वो MHRD, AIU, कॉप्स और गैजेट चारों से पास है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इस बोर्ड से पढ़ाई करते हो, और अगर इस बोर्ड से आप इधर 10th या 12th में एडमिशन ले चुके हो, और अगर आप, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है ना बोर्ड का, वो अप्रैल वाले सेशन का चालू हो गया है, यानी कि अप्रैल में किसी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं लगेगा। जब भी एडमिशन लगेगा तो अक्टूबर नवंबर सेशन में लगेगा। तो अगर आप इसमें एडमिशन ले चुके हैं और एग्जाम दे रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक रिनाउंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में एडमिशन लेकर के आप एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई भय अभी तक था कि ये बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये बोर्ड पूर्णतः रिकॉग्नाइज्ड है, कॉप्स के लिस्ट में भी है, कॉप्स के वेबसाइट पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, AIU के वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ये बोर्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपको इस बोर्ड के रिगार्डिंग, आपको अभी भी डाउट है, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम का नंबर आपको दे देता हूँ स्क्रीन पे, आप वहां से कांटेक्ट करके मेरे से बात आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, कुछ जानना होगा, तो आप वहां से संपर्क करें, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि ओपन स्कूलिंग ये है तो इसके एग्जाम्स कितने बार होते हैं। दोस्तों जैसे और ओपन स्कूलिंग के एग्जाम्स होते हैं, सिमिलरली इसके भी एग्जाम्स जो होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। पहला जो इसका सेशन है वो अप्रैल सेशन है और दूसरा जो सेशन है वो अक्टूबर नवंबर सेशन है। अप्रैल सेशन का जो एडमिशन है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और जो अक्टूबर नवंबर सेशन है उसके एडमिशन लगने शुरू हो गए हैं। उसमें
एडमिशन आपको लेना है तो आप उसके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एडमिशन लेने में हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी, एग्जाम्स प्रिपरेशन करने का तरीका बताएगी, कैसे आप प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। दोस्तों, इस बोर्ड की मैं एक और खासियत आपको बता देता हूँ कि इसका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑनलाइन है, यानी कि आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम इसको देना होता है, किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के आपको इसका एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस बोर्ड के साथ कि आपका जो पासिंग रेशियो है ना वो ऑफलाइन एग्जाम के मुकाबले बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होता। ऑब्वियसली बात है कि ऑफलाइन एग्जाम सेंटर पे जाकर के देने से फार बेटर है कि आप ऑनलाइन एग्जाम को ले लो, उसमें पासिंग का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है, और वो एक बहुत अच्छा चीज है इस बोर्ड के साथ। तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये बोर्ड प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ये बोर्ड हर तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर की गवर्नमेंट जॉब में मुझे जाना है, या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप अपियर कर रहे हो, तो इस बोर्ड से आप पास आउट होकर के उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एंड पार्ट पर चलते हैं। अगर आपको इस बोर्ड से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, अगर मैं इस वीडियो में वो चीज नहीं बता पाया हूँ, या फिर कुछ ऐसे क्वेरीज है जो मैं टैकल नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट में अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर के आपके पास आऊंगा। हाँ जी, आगे चलने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपके क्वेरीज को मैं तभी सॉल्व करूंगा जब आप मेरा 500 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा कर दोगे, क्योंकि मेरा 500 सब्सक्राइबर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट मैं इतना तो रिक्वेस्ट आपसे कर ही सकता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर को 500 तक लेकर जाए। और जो भी क्वेरीज है बच्चों, आपको अगर कुछ भी जानना है इस बोर्ड से रिलेटेड या फिर किसी और बोर्ड से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखो, या फिर हम लोग अपना फोन नंबर भी टीम का देते हैं, आप उन्हें बता सकते हो। हम लोग उस टॉपिक के ऊपर सटीक से सटीक एंड पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा। और मैं समअप करूंगा इस वीडियो को ये कहते हुए कि हमारी टीम का नंबर अभी भी फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको एडमिशन लेना है, स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आप एडमिशन ले चुके हो, पढ़ने की विधि जानना है, सिलेबस जानना है, आपको करियर बनाने में जो भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्ट हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग पूरा पूरा आपको हेल्प करेंगे। विद दिस आई एम समिंग अप दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक यू सो मच।